लिए आपको सबसे पहले गूगल पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ये होगा, वेलकम टू गूगल पे, चूज ए लैंग्वेज टू गेट स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे कई सारे लैंग्वेज दिखते हैं, यानी कि कई सारे भाषा दिखाए जाते हैं। आप जिन भी भाषा में इस ऐप को यूज करना चाहते हो उस भाषा को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। तो सिंपली हम इंग्लिश ही रहने देते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और ध्यान रखिए वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर कीजिए जो आपके बैंक से रजिस्टर हो, यानी कि लिंक होना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले बटन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया टैब आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपना जीमेल इसमें ऐड करना है। तो जीमेल आपके मोबाइल में जो भी होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेगा, या फिर अगर आप दूसरा जीमेल देना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड अकाउंट करके दूसरा जीमेल ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक OTP भेजा जाएगा इस एप्लीकेशन के द्वारा। तो आपको एक अपने उस मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये OTP आया और ये ऑटोमेटिक इसमें OTP ले लिया, क्योंकि मैंने इस मोबाइल को इसी में ऐड कर रखा है, यानी कि लगा रखा है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पे लिखा है क्रिएट फ़ोन स्क्रीन लॉक, या फिर अगर आप चाहते हैं गूगल के लिए इस ऐप के लिए पिन पासवर्ड बना के रखना, तो आप दूसरा वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम चलिए क्रिएट गूगल पिन पे क्लिक करके कोई 4 डिजिट का एक पिन बना लेते हैं। तो जैसे आप 4 अंक का पिन डालेंगे तो एक बार फिर से आपको री एंटर गूगल पिन डालने के लिए कहेगा। एक बार फिर से आपको वही पिन एंटर करना है जो आप बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने अपना 4 अंक का पिन बना लिया है और यहाँ पर ये गूगल पे में हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये जो गूगल पे अकाउंट है ये बन चुका है और आप यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड कर